नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 178। ये हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका होगी 25 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट क्या होने वाली है? रचनात्मक लेखन पर होने वाली, यानी आज हम फिर से एक कहानी बनाएंगे। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी को पूरा करते हैं। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करके अपनी कल्पना से कहानी बनाकर लिखिए। कहानी को एक उपयुक्त नाम भी दीजिए और उसे नीचे दिए गए बॉक्स के अंदर लिखिए। अपनी कहानी, अपनी बनाई हुई इस मजेदार कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम पहले भी एक वर्कशीट कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ चित्र दिए होंगे, इन चित्रों के हिसाब से हमें एक कहानी बनानी है और फिर उसे अपने घर पे सभी को सुनाना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कहानी का नाम, आप कहानी का एक नाम सोचेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे। कुछ शब्द हमें दिए हैं जैसे कुत्ता, नींद, थकान, अंडे, ठीक है, जगह, तलाश, बच्चे, माँ, भागना और टिठरी। कुछ वाक्यांश दिए, यानी वाक्यों के अंश दिए हैं, वाक्य का एक हिस्सा, जैसे कि भूखी टिठरी, अंडे सेना, खाने की तलाश, अंडों से बच्चों का बाहर आना, ठीक है, कुत्ते को मामा बुलाना, कुत्ते का भाग जाना, टिठरी का अपने बच्चों को बुलाना। फिर कुछ मुहावरे भी दिए हैं जैसे घोड़े बेचकर सोना, यानी बहुत ही आराम से सोना। फिर क्या है, दुम दबाकर भागना, ठीक है, ये दो मुहावरे दिए हैं, इनका भी इस्तेमाल हमें करना है। तो कहानी की शुरुआत इन्होंने बताई है। देखिए कहानी की शुरुआत कैसे की है कि टिठरी अपने अंडों को सेने के लिए रोज उन पर बैठती थी। हर शाम वह अपने अंडों को पत्तों से ढककर खाने की तलाश में आसपास निकल जाती थी। एक दिन जब वह खाना खाने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि एक कुत्ता अनजाने में उसके अंडों पर सो गया है, ठीक है। तो ये शुरुआत उन्होंने दे दी है, इसको आपने कंटिन्यू करना है। एक कहानी मैंने बना रखी है, आइए देखते हैं क्या लिखा है उसमें। तो सबसे पहले मैंने कहानी का एक शीर्षक दिया है, टिठरी के अंडे। देखिए कहानी क्या है, शुरुआत में तो वही है कि टिठरी अपने अंडों सेने के लिए रोज उन पर बैठती थी। हर शाम वह अपने अंडों को पत्तों से ढककर खाने की तलाश में आसपास निकल जाती। एक दिन जब वह खाना खाने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि एक कुत्ता अनजाने में उसके अंडों पर सो गया है। टिठरी बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन कुत्ता तो मानो घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी अंडों से बच्चे निकलने लगे। इसी बीच कुत्ता भी जाग गया। जैसे ही वह कुत्ता वहां से जाने लगा, टिठरी के बच्चे उसे देख माँ 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 कहकर पुकारने लगे। यह सुनकर वह पानी पानी हो गया, लेकिन उसे पता था कि ये उसके बच्चे नहीं हैं और वह वहां से दबाकर भाग गया। बच्चों ने थोड़ी दूर तो कुत्ते का पीछा किया, लेकिन फिर थक कर रुक गए। टिठरी ने यह सब देख रही थी और अपने बच्चों के पास आकर बोली कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी और आसान सी कहानी यहाँ पर हमने लिख दी है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या इससे मिलती जुलती अपनी कहानी भी बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।